आप एक निडर की भांति अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के साथ, क्योंकि अपने आत्मसम्मान की रक्षा तो आपको स्वयं करनी होगी। या फिर आप सभी अत्याचार को सहना चाहते हैं, प्रतिपल प्रतिदिन ऐसे मरना चाहते हैं आप सब? इन दोनों स्थितियों मूल्य तो हमें ही चुकाना होगा। प्रथम प्रश्न, जीवन में सच्चा साथी कौन है? धैर्य, धैर्य ही जीवन का सच्चा साथी है। ऐसा कौन सा धन है जो हमें सर्वश्रेष्ठ बनाता है, किंतु उसे चोरी नहीं किया जा सकता, अपितु उसे खोया अवश्य जा सकता है। ज्ञान, जिसके पास ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ बनता है। ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता, अपितु हम अपने अहंकार से उसे खो अवश्य सकते हैं। उत्तम। वो क्या है जिसे त्याग के हम सबके प्रिय बन जाते? अहम। अहम का त्याग हमें सबका प्रिय बनाता है। और वो क्या है जिसे खोने के पश्चात हमें दुख नहीं अपितु प्रसन्नता होती? क्रोध। उत्तम पुरुष कैसे बना जा सकता है? ऊंचे कुल में जन्म लेने से, ज्ञान अर्जित करने से, या फिर शीतल स्वभाव से? क्या मैंने तुम्हें विकल्प भी दिए हैं बालक, उसके पश्चात भी तुम उत्तर नहीं दे पा रहे? शीतलता, जिसमें शीतलता नहीं उसका पतन निश्चित है। अति उत्तम। तब अंतिम प्रश्न, उक्त प्रश्नों के उत्तर में तुमने जिन गुणों का उल्लेख किया उनमें से सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा? इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने परिवार के प्रति प्रेम तथा समर्पण। किंतु मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर ये नहीं था बालक। आपकी दृष्टि में उत्तर जो भी हो, किंतु मेरे लिए मेरे परिवार से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। अति उत्तम। तुमने सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं बालक। सुख की प्राप्ति से अधिक महत्व दुखों से मुक्ति का होता है ऋषि गौतम, और दुखों से मुक्ति तभी संभव है जो मनुष्य भ्रम से मुक्त होगा। किंतु आने वाले समय में सत्य की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की जाएगी तो मनुष्य का भ्रमित होना निश्चित है। ऐसे में जीवन के वास्तविक स्वरूप का बोध अनिवार्य हो जाए,
प्रत्येक मनुष्य को तर्क विश्लेषण के माध्यम से तथ्य तक पहुंचना होगा, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना होगा। आपके द्वारा जित न्याय दर्शन तत्व विश्लेषण का आधार बनेगा। प्रभु, आप मुझे न्याय दर्शन के बारे में विस्तार से बताइए। अवश्य ऋषि गौतम, योग दर्शन की भांति न्याय दर्शन का उद्देश्य भी मानव कल्याण होगा, समाज के निर्माण और समानता के लिए संसार को इसकी आवश्यकता होगी। न्याय दर्शन 6 दर्शनों में से एक के रूप में जाना जाएगा और ऋषि गौतम आप न्याय के प्रवर्तक कहलाएंगे। अच्छा प्रभु, अब मुझे न्याय के तथ्यों के बारे में कुछ बताएं। न्याय दर्शन में आपको 16 तथ्यों का समावेश करना होगा ऋषि गौतम। तो ये 16 तथ्य कौन कौन से हैं प्रभु? प्रमाण, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, जल, छल, जाति, निग्रह स्थान, हित्वाभास, निर्णय, वाद, वितंड, अव्यय, तत्, प्रमेय। इन 16 तथ्यों का अध्ययन न्याय रचना के लिए अनिवार्य है ऋषि गौतम। प्रमाण कितने प्रकार के होते? प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं ऋषि गौतम। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इन 4 के माध्यम से जो सिद्ध होता है वो प्रमेय कहलाता है। प्रमेय 12 प्रकार के होते हैं ऋषि गौतम। अर्थ, शरीर, मन, बुद्धि, दोष, फल, दुख, अपवर्ग, इंद्रियां, प्रवृत्ति, प्रत्यय भाव और आत्मा। इन 16 तथ्यों का अध्ययन और चिंतन अनिवार्य है ऋषि गौतम। ये तो मेरा सौभाग्य है प्रभु।